आप देख रहे हैं इकरा पॉइंट्स और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि वुजू के इंसानी जिस्म पर क्या असरात और फायदे होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जिस्म की पाकिजगी और सफाई हमारे रूह को कुव्वत अता करती है। पाकिजगी और साफ सफाई इस्लाम का अहम हिस्सा है। 1400 साल पहले का वुजू साइंटिस्ट के लिए बड़ा चौंका देने वाला तजुर्बा था। बहुत से मुसलमान ये बात नहीं जानते कि वुजू जो वो करते हैं वो हमारे जिस्म के लिए एक सेफ गार्ड है जो हमारे जिस्म को गंदगियों से बचाता है। अगर आप 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और हर वक्त आप ताज़ा वुजू बनाते हैं तो आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि वुजू सेहत के लिहाज से बेहद कारगर है। वुजू की आदत हमें कई बड़ी बड़ी परेशानियों से बचाए रखती है और वुजू करने से हमारे छोटे छोटे गुनाह धुल जाते हैं। वुजू के इंसानी सेहत पर बहुत से फ़ायदे हैं। हाथ धोने से हाथों पर मौजूद गंदगी दूर हो जाती है और इंसान पेट की ज़्यादातर बीमारियों से महफूज हो जाता है। इसी तरह कुल्ली करने से मुंह की पूरी तरीके से सफाई हो जाती है और बदबू और दांतों की भी गंदगी दूर हो जाती है। एक साइंसी तहकीकात से ये बात मालूम चली है कि दिन भर में 5 मरतबा वुजू करने वाले लोग पायरिया जैसी खराब बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। नाक इंसानी जिस्म में सांस लेने का वाहिद रास्ता है, मगर जब हम सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद बैक्टीरिया या जरासीम हमारे जिस्म में नाक के ज़रिए दाखिल हो जाता है और बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। मगर वुजू करते वक्त नाक में पानी दाखिल करने से नाक साफ हो जाती है और आवाज़ की गहराई और सुहानापन पैदा होता है। इसी तरह नज़ला और नाक के ज़ख्म के मरीजों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक चीनी साइंसदान के मुताबिक चेहरा धोने से पेट में मौजूद छोटी आंत, बड़ी आंत और सीने पर भी अच्छे असरात होते हैं और चेहरे की सफाई तो होती ही है। इसी तरह हाथ को कोहनियों तक धोने से जिस्मानी बीमारी में तो कमी होती ही है और साथ में दिमाग में गलत ख्यालात, जहनी कमज़ोरी, नाउम्मीदी, खौफ का खात्मा होता है। यानी इंसान नफसियाती बीमारियों से भी महफूज हो जाता है और हाथ भी पाक और मजबूत होते हैं। इसी तरह मसा करने से यानी सर पर गीला हाथ फेरने से बालों पर मौजूद गंदगी साफ हो जाती है और इंसान के सर के अंदर मौजूद दिमाग को ठंडक पहुंचने से बहुत सुकून मिलता है। और सर का मसा करते वक्त शहादत की उंगलियां गीली करके कान में डालने से कानों की गंदगी की सफाई हो जाती है और हमारे सुनने की सलाहियत में इजाफा होता है। और गर्दन पर हाथ फेरने से इनके असाब मजबूत होते हैं और जिस्म की थकान दूर होती है और इंसान बहुत सी जिस्मानी और नफसियाती बीमारियों से महफूज रहता है। और वुजू में पैर धोने से पैर में मौजूद गंदगी धुल जाती है, क्योंकि पैर अक्सर टखनों तक नंगे रहते हैं तो इनमें गर्द और गंदगियां लगती रहती हैं। वुजू की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नमाज को पढ़ने के लिए वुजू शर्त है और कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो चाहिए कि तुम अपना मुंह और हाथ कोहनियों तक धो लो और सर पर हाथ फेर लो और पांव टखनों तक धो लिया करो। नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं कयामत के रोज़ अपने उम्मत के लोगों को पहचान लूँगा। तो इस पर सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह कैसे? तो इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक पहचान ये होगी कि वुजू की वजह से मेरी उम्मत के लोगों के चेहरे और हाथ जगमगा रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आपसे अगली नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।